आज हम बनाने जा रहे हैं अजवाइन के पत्ते की चटनी। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मेरा गार्डन में हुआ है। ये ऐसे उगता है मनी प्लांट जैसा, इतना सा स्टेम लगाएगा तो ये कुंडी में ऐसा थोड़ा सा लगाएगा तो आ जाएगा। देखो इतना सा लगाएगा ये पत्ता तोड़ के तो भी आ जाएगा। ये मार्केट में नहीं मिलता है ऐसे कुंडी में लगाने का। और ऐसे इतना पत्ता तोड़ के चटनी बनाती हूँ। चलिए, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये 20 पत्ता तक रहेगा ऐसा चटनी के लिए। और 1 टेबलस्पून चना दाल, थोड़ा सा इमली और 5 कली लहसुन और 4 मिर्ची, 1 सूखा मिर्ची, हरा मिर्ची 4 लिया और धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून। ये तड़के के लिए और कड़ी पत्ता। ये पत्ते को 2-3 टुकड़े में ऐसा काट के लेते हैं, थोड़ा अच्छा ग्राइंड होएगा। पैन गरम होने के रखा है, इसमें अभी ऑयल डालते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। चना दाल डालते हैं। लहसुन को थोड़ा ऐसा क्रश करके लेते हैं। धनिया भी इसी में डालती हूँ, थोड़ा क्रश करेंगे फिर तेल में डालेंगे। अभी इसको मैं ऐसे थोड़ा कोर्स ऐसा कूट के लिया है। ये पूरा मिश्रण तेल में डालेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऐसा चना दाल और साथ में ये लहसुन और धनिया, जीरा भी 1/2 चम्मच जीरा है, हरी मिर्ची, ये सब थोड़ा ब्राउन कलर में चाहिए। अब ये लाल हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गया, इसको मिक्सर में निकालते हैं। इसको 2-3 मिनट पकने देंगे। ये फ्राई हो गया है, अभी गैस को बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर मिक्सर में डालेंगे। ये जब तक ठंडा हो रहा है तब ये मिक्सर में पीस के ले लेते हैं। धनिया और मिर्ची लहसुन का नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, इसको पीसेंगे। इसको रफली पीस लिया है, अब ये पत्ता डालते हैं इसमें, ठंडा हो गया है। थोड़ा सा 1 टी या 2 टीस्पून पानी भी चलेगा, इसमें डालना चाहिए तो फाइन पेस्ट हो जाए। अब ये ऐसा पीस लिया मैं, अब इसको थोड़ा तड़का दे देते हैं। आधा टेबल स्पून तेल डाल के वही पैन में 1/2 चम्मच ऐसा डाल दिया, 1/2 टीस्पून। तो ये तेल गर्म हो गया, कड़ी पत्ता 2 मिर्ची ऐसे ही डाल दिया आपका बिना तोड़े, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी पैन को बंद करके एक चटनी को इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि पानी डाला ना तो 1 सेकंड ऐसा इसमें तेल में कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। फिर सर्विंग बाउल में लेना है, बस कंप्लीट हो गया अपना ये। ये हमारा अजवाइन की चटनी रेडी हो गया। ये चावल के साथ गैस साइड डिश के लिए अच्छा लगेगा, नहीं तो भाकरी या चपाती के साथ भी अच्छा लगेगा। और सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है ये, डाइजेस्ट अच्छा होता है। थैंक यू, एंजॉय।